आज हमारे इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, मतलब हम बात करेंगे कि नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो आप करते ही हैं, जैसे आपने ये यहाँ पे सिलेक्ट किया और क्लिक करके फॉर्मेट अप्लाई कर दिया, तो इसको इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है कि सेल में क्या टाइप है, इस D4 में क्या टाइप है इसकी कोई लेना देना नहीं है। इसको जस्ट अप्लाई द फॉर्म है, फॉन्ट तो इसने फॉन्ट को अप्लाई किया हुआ है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग में हमें डिसाइड कर लेंगे कि आखिर हमारा कंडीशंस के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मेट हो, जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो, इन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले जानिए कि आपको फॉर्मेटिंग करने से पहले एरिया को सिलेक्ट करना होगा कि किस एरिया को आप फॉर्मेट करने जा रहे हैं, ये चीज जरूरी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास कई सारे कैटेगरी है, जैसे कि हाईलाइट, टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर शेयर, आइकन्स, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बटा हुआ है और यहाँ न्यू रूल्स में सारे मिलेंगे आप। तो चलिए पहले कैटेगरी वाइज हम सीखते हैं, फिर अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग सीखेंगे। सबसे पहले हाईलाइट सेल्स, जैसे कि हमने बताया आपको कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हमें हाईलाइट करेंगे। किसी कंडीशंस पे ही हमें हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन वैल्यू, मैं चाहता हूं कि मेरी वैल्यू अगर 25 से ऊपर हो या 50 से ऊपर हो तो हाईलाइट हो जाए, ये आपका हाईलाइट हो गया एक डिफॉल्ट कलर से। लेकिन मैं चाहता हूं कि हाईलाइट हो मेरे हिसाब से, मैं जो कलर करूं उसके हिसाब से हाईलाइट हो, तो भी हाईलाइट हो सकता है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस है कलर के, जैसे कि येलो फिल, डार्क रेड, लेकिन इन सब में जो ऑप्शन है आपको नहीं पसंद है, आपको खुद का फॉर्मेट चाहिए, तो आप कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर की फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल, चार तरह की फॉर्मेटिंग मिलेगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चार तरह की फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड ओके, आप देखिए आपका हाईलाइट हो गया। तो चलिए और क्या क्या इसमें है देख लेता हूं। हाईलाइट में आपका ग्रेटर देन है, किसी नंबर से बड़ा, लेस देन किसी नंबर से छोटा, और बिटवीन दो नंबर के बीच की, जैसे कि हम चाहते हैं कि 50 से लेके 80 वाला हाईलाइट हो जाए, तो 50 to 80 वाला आपका हाईलाइट हो जाए। फॉर्मेटिंग आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू मतलब कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू। अब ध्यान में कि ऊपर जो तीन मैंने अभी आपको बताया, ये जो ऊपर की जो तीन चीजें हैं, इसमें सिर्फ आप लिख देते हैं नंबर और डेट एंड टाइम, इसमें सिर्फ नंबर डेट एंड टाइम ही आप दे सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं दे सकते कि हाँ कुछ पूजा से बड़ा, मोहित से छोटा, ऐसा भी रह सकते हैं।
उसके तो यहाँ पे आपके पास इक्वल टू है, इक्वल टू में आप किसी भी चीज को रख सकते हैं, जैसे एक ही आपने नंबर दिया मैं देता हूँ 10 को हाईलाइट कर दिया, या किसी नेम को करना है तो आप यहाँ इक्वल टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूजा किया तो पूजा को हाईलाइट कर दिया, एग्जैक्ट सेल वैल्यू को हाईलाइट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमने न्यू दिल्ली दिया यहाँ पे एग्जैक्ट सेल वैल्यू में आप आएंगे इक्वल टू में, तो जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी सेल वैल्यू को हमने बिहार कर दिया तो बिहार हाईलाइट कर देगा, या किसी पर्टिकुलर डेट को, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किया तो यहाँ पे 1-Jan 2019 दिया तो हाईलाइट कर दिया। एग्जैक्ट सेल वैल्यू चाहे डेट हो या टाइम हो या फिर किसी टेक्स्ट हो, आप इक्वल टू में हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन इक्वल टू में एक प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट सेल वैल्यू खोजता है, एग्जैक्ट सेल वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट सेल वैल्यू खोजता है। यहाँ पे दिक्कत यह होती है कि जैसे कि आपने इक्वल टू में अगर मान लीजिए बिहार दे दिया तो हाईलाइट हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ देखिए दिल्ली हाईलाइट हुआ है, आपका न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ है, न्यू दिल्ली आपका हाईलाइटेड नहीं है। तो मुझे ऐसा चाहिए क्योंकि यहां पे दिल्ली और न्यू दिल्ली एक ही है, तो कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होगा आपके साथ जहां पे आपके नेम में प्रॉब्लम हो सकती है तो हाईलाइट करने में दिक्कत होगी। उस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे टेक्स्ट दैट कंटेन, अगला ऑप्शन हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन है। अब टेक्स्ट दैट कंटेन में हम यहां बता रहे हैं आपको कि यहां पे हम अगर दिल्ली लेते हैं तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट होगा। ये फाइंड की तरह काम करता है आपका कि कोई भी वर्ड आप डाल दिए वो वर्ड एग्जिस्ट करता है, एक साथ हो या अलग अलग हो, तो वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, एक कंटेन की तरह काम करता है। तो एक टेक्स्ट दैट कंटेन डेट ऑफरिंग की हम बात करते हैं, डेट ऑफरिंग कर देता हूं। अगर आपने यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए कि आपने डाल दिया ग्रेटर देन लेस देन किसी डेट से पहले तो आपको ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे आज का सिस्टम डेट हाईलाइट करना है, मुझे यहाँ पे सिस्टम डेट को ही हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, इक्वल टू में आता हूँ और जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाईलाइट हो गया।
ठीक है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये तो फिक्स हो गया ना, कल मैं खोलूंगा तो कल भी 3-5 को ही हाईलाइट रहेगा। ठीक है, कल भी यह हमारा 3-5 को ही हाईलाइटेड रहेगा। तो कुछ ऐसा चाहिए जो सिस्टम डेट से मेरा कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आप यहां डेट ऑकरिंग इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेट ऑकरिंग में आपका स्टडे में कल का डेट, टुडे मतलब कि करेंट सिस्टम डेट, टुमारो मतलब कि कल की डेट, लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो आप सिस्टम डेट से कनेक्टेड हो जाएगा और जैसे चेंज होगा, जैसे आपका डेट चेंज होगा तो ये भी अपना चेंज कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद आती है कि सिलेक्टेड एरिया में अगर कोई वैल्यू मोर देन 1 टाइम है तो हाईलाइट कर सकते हैं डुप्लीकेट्स। तो सिलेक्टेड एरिया में मोर देन 2 वैल्यू है तो हाईलाइट कर लेंगे। ओके, तो इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यू में कोई डाउट सर? नो सर। क्लियर है? अब बात ये टॉप बॉटम की, मुझे इस हाई इसमें सिलेक्ट करके टॉप 5 को हाईलाइट करना है, तो टॉप बॉटम रूल पे जाऊंगा, टॉप 10 को सिलेक्ट करूंगा, तो टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100 आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाए। क्योंकि डेटा काफी बड़ा है इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा है, डेटा थोड़ा छोटा है। इसमें अगर मैं सिलेक्ट करके यहां से टॉप 10 करता हूं एंड ओके, अब देखेंगे इसमें टॉप 10 आपका हाईलाइट है। ओके, ऐसे अगर मैं टॉप बॉटम करता हूं तो 10 के जगह पे आप चेंज कर सकते हैं, तो टॉप बॉटम आपका हाईलाइट हो जाएगा। टॉप बॉटम को येलो से हाईलाइट करो, तो टॉप बॉटम जो आपका और येलो से हाईलाइट हो। तो यहां से आप टॉप बॉटम कर सकते हो, तो इसमें टॉप 10% एंड बॉटम 10% है, ये आपका परसेंटाइल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलता है। जो मैं आपको परसेंटाइल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर।
अब डेटा बार की बात करते हैं। अब जैसे मुझे पता नहीं है कि इसका पूरे ओवरऑल डेटा में पोजीशन क्या है, तो आप डेटा बार से पता कर सकते हैं। यहाँ पे बार आपको बता देगा कि सबसे बड़ा मतलब कि बड़ा है, मिडल मिडल है, छोटा छोटा है, तो बार से पता कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक अलग सेल पे करके दिखाऊं, ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं बार लगाता हूं, देखेंगे कि ये जैसे से आपका नंबर बढ़ रहा है जैसे आपका बार भी बढ़ रहा है, क्योंकि बड़े डेटा पे चार्ट को लगाना पॉसिबल नहीं होता है, चार्ट लगाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। कलर स्केल आपका उसी तरह से करता है बार की तरह, लेकिन कलर स्केल बना देता है, जैसे रेड आ गया और नीचे ग्रीन है, तो जैसे जैसे कलर आपके बढ़ रहा है उस तरह से आपको ग्रीन होते जा रहा है। ये सब चीज हम डैशबोर्ड पे यूज करते हैं। आइकन सेट आपको क्लियरली बताता है कि लोअर कौन सा है, मिडिल कौन सा, अपर कौन सा है। ये आइकन सेट अपनी हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि क्वांटिटी वन है और क्वांटिटी टू है आपके पास, तो क्वांटिटी वन में अगर 85 है और क्वांटिटी टू में आपका 86 है, तो मुझे पता करना है कि कौन से महीने में ज्यादा है। इसके लिए ग्रोथ रूल निकालने की जरूरत नहीं है, आइकन सेट में जाए और यहीं पे आप अपना आइकन इस्तेमाल कर, जो बड़ा होगा उसमें अपर और जो छोटा होगा उसको लोअर अपने आप आपको दिख जाएगा, ठीक। हेलो, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी जो चीजें मैंने बताई ये मोस्ट यूजेड चीज थी, ठीक है, कि मोस्टली ये यूज की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास भी और चीजें हैं। इसके अलावा भी यहां पे आप देखेंगे तो जैसे कि आप ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस जो कि इसमें मिसिंग है वो सारे कंडीशंस आपको मिलते हैं न्यू रूल्स में, ओके। तो न्यू रूल्स में जाएंगे तो सारे कंडीशन आपको मिलेंगे, इसको हम आपको कल डिस्कशन करेंगे। अभी आप जो है इन सारे का यूज कीजिए और मुझे इसके एक एक एग्जाम्पल आप मुझे दीजिए, ओके। डेटा आपके पास नहीं है तो मैं डेटा आप लोगों को मेल कर देता हूं, तो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितनी भी कैटेगरी है सबके एक एक एग्जाम्पल चाहिए, आप प्रैक्टिस करके कल शाम तक मुझे देंगे, राइट सर। हेलो,
हेलो, ये नहीं है सर। कौन सा है? अमित MIT, अच्छा ए निकाल दीजिए MIT। हाँ ये फर्स्ट। सुनील क्या है? ये ना यस सर। और फिर क्या है? राम आर एस सर। रवि प्रकाश रमेश मुझे आर एस से है। रमेश जी है आपका? जी सर। राम राहुल जी क्या है आपका? आर एस सर। आर एस आर एस से आर एस यादव। भेज दिया आप लोगों को डेटा फाइल। डेटा फाइल प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोगों को पास फाइल डेटा फाइल नहीं है तो मैं अपनी डेटा फाइल प्रैक्टिस के लिए भेज रहा हूँ। मुझे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एग्जांपल्स बना के दीजिए। ठीक है, तो कल सुबह में कल शाम को मिलते हैं। जी सर। तो सुबह बैच चाहते हैं तो मैंने सुबह 6:30 बजे बैच स्टार्ट किया है, तो 6:30 बजे भी आप लोग आ सकते हैं। सुबह 6:30। हाँ 6:30 से 7:15, 7:20, 7:35 तक चलती है।